सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज मैं अपना बस पैकिंग वगैरह करने लगी हूँ। आज बिल्कुल लास्ट डे है और पैकिंग करनी बहुत ज़रूरी हो चुकी है अब। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी थोड़े बहुत किचन के काम कर रही थी तो इतने पसीने आ रहे थे ना, तो अभी दो मिनट मैं ब्रेक लेने के लिए आई हूँ और यहाँ से सूट केस लेने के लिए आई हूँ। ये पड़ा सूट केस, तो ये भी अनाया को पकड़ाती हूँ, वो करेगी अपनी पैकिंग और इतने मैं फिर किचन के साथ साथ काम भी कर लूँगी। देख सकते हो आप कितना ज़्यादा फेस ऑयली ऑयली हो रहा है पसीने की वजह से ना, स्वेटिंग की वजह से बहुत ऐसा हो रहा है, चिपचिपी गर्मी एकदम, और बाल भी ऑयली हो रहे हैं थोड़े से। अब तो खैर हेड वॉश नहीं करूँगी, वहाँ रिजॉर्ट जहाँ पर हमने जाना है वहीं जाके करूँगी। तो पैकिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, और जब भी थोड़े दूर जाना हो कहीं, तो दूर का ट्रैवल हो, तो हमेशा होता है कि हर एक चीज़ रख लें, कुछ रह ना जाए, क्योंकि कई बार होता है ना कि और किसी जगह से सेम चीज़ नहीं मिलती, खासकर जो मेडिसिंस होती हैं, मेडिसिन हम सारी रखते हैं। तो बस अब वही सब तैयारी करने लगी हूँ और अनाया को सूटकेस देती हूँ इतने, वो अपना पैक करेगी। तो अनाया को ना बहुत पसंद है अपनी पैकिंग करना, सूटकेस पैक करना, और इसने पूरे ऐसे सेट बना के रखे हैं ना कपड़ों के, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम वेल मैनर्ड जैसे होते हैं ना कपड़े, इसने बिल्कुल वैसे सेटिंग की है अपने क्लोथ्स की, कि हम मुझे डे वन पे क्या डालना है, डे टू पे क्या डालना है, सारी इसने ऐसे पैकिंग करी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं अनाया की मेडिसिन पैक कर रही थी, और हम सारी मेडिसिन साथ लेके जाते हैं, जैसे कोल्ड, फीवर, कफ, और जैसे नोज़ ड्रॉप्स की हो गई, वॉमिटिंग की हो गई, और लूज मोशंस की हो गई, कुछ भी हो गया, और थर्मामीटर, एक एक चीज़ रखते हैं। और ये है अगर अनाया को जैसे खांसी ज़्यादा होती है तब हम लेवलिन इसको देते हैं, नेबलाइज़र, और ये है नोज़ ड्रॉप, तो एक एक चीज़ मतलब ये लगा लो, और एक्स्ट्रा इसकी कैप रखते हैं दवाई की, जो भी दवाई देनी हो, और दो तरह के थर्मामीटर हैं, दोनों हम रखते हैं, कोई भी एक अगर वर्क नहीं करता तो एटलीस्ट दूसरा होना चाहिए। तैयारी पूरी करके चलते हैं हम अपनी तरफ से, और बस अपने ये सारा इसने बैग पैक कर लिया, और एक साइड पर सारे कपड़े रखे हैं, और एक साइड पर सारे प्ले खेलने वाली कोई चीज़ें रखी हैं, जैसे बुक्स हो गई खेलने के लिए, और या कोई गेम हो गई, हर तरह की चीज़ें रखी हैं इसने, और ड्राइंग का भी सामान रखा है। तो इसका तो बैग हो गया एकदम पैक, और अब बारी है मेरे बैग पैक करने की, वो मैं अभी थोड़ी देर तक करूँगी, इतने में किचन का काम करके फ्री होती हूँ। और आज लंच में अनाया के लिए मैं बना रही हूँ ये रेडी टू ईट स्नैक्स, और मनु ने खाए थे पैटीज, आलू की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी उसी की पैटीज मनु ने खाई थी, और मनु की चाय बड़ी बड़ी ठंडी हो रही है, और वो उन्होंने बोला कि मैं भी थोड़ी देर तक लूँगा, तो मैं इसलिए रुकी हुई हूँ। और इतने मैंने अनाया के लिए अपना ये लंच जो भी उसको देना था रेडी टू ईट स्नैक्स का, जिसमें से ये चीज़ गार्लिक नगेट्स हैं और स्माइली है, तो ये सब अनाया को दे दिए, और साथ में मैंने बनाए थे ब्रेड रोल, तो वो भी अनाया को दे दिए। बनाए वैसे मैंने स्पेशली मन्नू के लिए थे ब्रेड रोल, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं खाना, मैं आलू की पैटीज़ खा लूँगा, तो फिर मैंने आलू की सब्ज़ी फटाफट बनाई और उनको दे दिया था। आज मेरे सारे काम ऐसे ही चल रहे हैं जल्दी जल्दी वाले, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है ना मैं मतलब ढंग से वीडियो बना पा रही हूँ, बस जो जो क्लिप मेरे को समझ आए जा रही है वो मैं बनाए जा रही हूँ। बहुत काम है, और अभी मुझे मार्केट फिर जाना पड़ेगा, अनाया का कॉस्ट्यूम चेंज कराना है, और मुझे भी अपना एक दो काम और रह गया है बहुत ज़रूरी। नीचे मम्मी पापा के लिए आज खिचड़ी बनेगी, मम्मी का भी फ़ोन आया था कि आज कुछ मत बनाना, आज खिचड़ी बना देना, मैंने कहा ठीक है। तो मनु की पैटीज़ बनाने के बाद ना थोड़े से आलू बच रहे थे, मतलब आलू की सब्ज़ी बच रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि जो आती है हेल्पर काम करने उसको मैं दे दूँगी, और तो सीता जो है उसका नाम सीता है मतलब, और उसके लिए मैंने ये बना के रख दिया बॉक्स, और जो जितने भी बर्तन धोने वाले थे वो मैं छोटे किचन में रखाऊंगी, हमारे बर्तन छोटे किचन में ही धुलते हैं। और अब बस अनाया को ये अनाया का लंच एकदम रेडी हो चुका है, तो अब बस उसको भी दे दूंगी साथ साथ, और साथ साथ मैंने खिचड़ी भी गैस पे रख दी थी कि मेरा किचन का काम एटलीस्ट सारा ख़त्म हो जाए, ताकि मैं मार्केट जा सकूँ। और यहाँ खिचड़ी मम्मी पापा की ना बहुत सिंपल तरीके से बनती है, जैसे बस जीरा डाला, एक दो चम्मच हल्दी, वो क्या कहते हैं, हींग डाली, और मूंग छिलके वाली दाल, और ज़रा सा चावल,
बस ये होता है। और इसमें ज़रा सा नमक डलता है, मतलब कि 2 चम्मच नमक डालूंगी मैं, और ज़रा सी हल्दी, और कोई मसाले नहीं डलवाते मम्मी पापा, बस इतना ही डलता है। और इसमें मतलब ये 1/4 ग्लास, जैसे मैंने खिचड़ी ली है ना, दाल ली है और चावल लिया है 1/4 ग्लास टोटल, तो उसके हिसाब से 3-3.5 ग्लास मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ। बस ये होती है खिचड़ी नीचे मम्मी पापा की, और साथ साथ अभी टमाटर की चटनी, वो टमाटर की चटनी के साथ लाइक करते हैं। तो 2-3 टमाटर ले लिए थे और ज़रा ज़रा से नमक मिर्च मसाले सब डाल दिए थे, गरम मसाला को छोड़ के जीरा भी डालती हूँ मैं। तो ये जो टमाटर की चटनी बनती है ये भी बहुत ही सिंपल वाली बनती है यहाँ पे, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये। तो बस ये सब भी रेडी हो चुका, बस इसके बाद मैं ये चटनी को फ्रिज में रख दूँगी ताकि बाहर पड़ी पड़ी ख़राब ना हो जाए। गर्मी की वजह से टमाटर की चटनी बहुत जल्दी ख़राब होती है, टमाटर की क्या कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अभी तो रात के खाने में तो बहुत टाइम है, तो अभी तो मुझे मार्केट भी जाना है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें फ्रिज में रख दी थी। तो मैं मार्केट भी हो आई थी, और मार्केट से आने के बाद मैंने बनाया था घर पे बर्गर, तो आज वही हमने डिनर किया था, बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस मैं मार्केट से भी आ चुकी हूँ और नीचे खाना भी दे दिया, खिचड़ी बनाई थी, और मार्केट भी हो आई हूँ मैं। तो अनाया की तो पैकिंग आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दी थी, अब मैं अपनी पैकिंग करने लगी हूँ। और अभी मन्नू गए हुए थे अपने काम से, उनको अपने कुछ शॉर्ट्स देखने थे, और साथ में कार क्या हवा वगैरह भरवानी थी, सब कुछ जैसे चेक वगैरह कराना होता है ना ट्रैवल के टाइम पे, वो सब। मन्नू आने वाले हैं, बस 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो अपना क्या कहते हैं उस, इसलिए ना अब जो भी कुछ रह गया ना छुट मुट, कुछ भी एक आधी चीज़ रह गई है वो भी सब अब रख लेती हूँ, ताकि वो आज रात को ही ना फिर कार में ही रख देंगे सामान अपना, कार के अंदर मतलब पीछे डिक्की में रख देंगे, ताकि सुबह मुश्किल ना हो ज़्यादा। सुबह बस छुटमुट सामान जो रह जाएगा वो लेके जाना है। तो चलो मैं फटाफट कर लेती हूँ, उन्हें लेट हो जाएगा, और इतनी मन बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस टाइम कुछ करने का। फिर बेड पे आराम से लेटी हुई थी, अभी जस्ट मन्नू का फ़ोन आया, अब एकदम मुझे खड़ा होना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा काम। तो चलो करती हूँ। तो पहले मैंने अपनी पैकिंग ना इस बैग में की थी, लेकिन ये बैग फिर बंद नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने अपना दूसरे बैग में शिफ्ट कर लिया अपना सारा सामान। और फिर ये वाला बैग जिसमें से मैं निकाल रही हूँ, ब्राउन वाला बैग, तो ये मैं मन्नू को दे दूँगी, मन्नू इस बैग को यूज़ कर लेंगे, मैं रेड वाला यूज़ कर लेती हूँ। तो मन्नू का तो कम सामान होगा, लेकिन हम लेडीज़ का थोड़ा ज़्यादा सामान होता है, क्या करें। बार बार कपड़े चेंज करना, अलग अलग तरीके के कपड़े डालना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं एक दिन में कम से कम 2 बार तो चेंज कर ही लेती हूँ जब भी रिजॉर्ट जाती हूँ। और मेरी पैकिंग भी डन हो चुकी है, बस अब इस बैग को मैं बंद करके साइड पे रख दूँगी। हाँ, लेकिन जैसे पहले मनु ने मुझे ना फ़ोन करके बोला था कि मैं बैग ना कार में रखवा दूँगा आज रात को ही, तो मेरे साथ रखवा देना। तो फिर उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसे ये ना हो कि कुछ ना कुछ रह जाए और फिर मुश्किल होए, इसलिए फिर हमने सोचा कि हम कल मॉर्निंग में ही आराम से तसल्ली से थोड़ा जल्दी उठेंगे, लेकिन टाइमली अपना सामान कार में सुबह ही रखेंगे, रात को अभी नहीं रखते। और यहाँ मैं अपनी सारी मेडिसिन रख रही हूँ, कोल्ड कफ, फीवर, पेन किलर, हेडेक की, सब की रखती हूँ। और हेडेक की सबसे मेन है मेरी मेडिसिन, जिसे मैं रखती ही रखती हूँ। अगर मेरा सर दर्द होता है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये मेरा इनहेलर है, जिसे मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, इवन कि मार्केट भी जाती हूँ तो साथ में रखती हूँ। और साथ में ये मॉइस्चराइज़र है, वो भी रख दूँगी अभी। और ये है नया ट्राईपॉड, मैं ये आज ही मार्केट से लेकर आई हूँ, इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे लेकर आना है, मुझे ज़रूरत थी इसकी। और वैसे मेरे पास एक ट्राईपॉड है, तो ये है सेल्फी स्टिक प्लस ट्राईपॉड, हर तरह का ये काम करेगा, ब्लूटूथ इसमें यूज़ होएगा सेल्फी अगर हमें लेनी है तो। और साथ में लाइट भी है, इसको भी चार्ज करना है। और ये काफ़ी इसकी लेंथ सही है, ट्राईपॉड का भी काम करता है ये, आप इसकी हाइट देखो कितनी सही है, और इस तरीके से खुल भी जाता है, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना, बहुत ही इसकी हाइट एकदम सही है, और छोटा बड़ा कैसा भी कर लो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। अब ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग तो हो ही चुकी है, तो अब बाकी जो भी रह जाएगा वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के करूँगी। तो 3:30-4 बजे उठ जाऊँगी, ताकि जल्द से जल्द सारे काम हो जाए। कोशिश यही रहेगी कि 5:45 तक हम निकल जाएँ। तो गुरुजी की जैसी कृपा रहेगी वैसे कर लेंगे।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं अब सुबह हो चुकी है तो मैं चाय पीने लगी हूँ, और बिना चाय पिए मैं सच में नहीं जा सकती, मतलब सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। और अराउंड 5 o'clock हो चुके हैं, तो अपने फटाफट से 2 biscuit और चाय ले रही थी, और ये मेडिसिन मैं खा के जाऊँगी। ये ट्रैवल के टाइम पे मुझे बहुत ज़रूरत होती है इसकी, क्योंकि सफ़र मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा लंबा सफ़र जो भी होगा। इवन कि मैं अगर नोएडा तक भी जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ। और अनाया ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उसके लिए मैंगो मैंने कट कर दिया है रास्ते के लिए, वो खा लेगी। और यहाँ पानी की बॉटल्स, चॉकलेट, सब कुछ मैंने रेडी कर दिया। मनु ने भी चाय नहीं पी थी, वो रास्ते में जाके पियेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज। तो हमारी पैकिंग भी हो चुकी है सारी, और सब कुछ तैयार है। मनु नीचे सामान रखने चले गए हैं, अब थोड़ा सा सामान मैं नीचे रख के आ रही हूँ, ताकि फिर उनको ज़्यादा मुश्किल ना हो। पावर ऊपर नीचे मैं भी रखाती हूँ। तो बस अब हम कार में सीधा आपसे मिलते हैं, क्योंकि अब लेट हो रहे हैं। मैं अपना मैंगो शेक रख लेती हूँ, कल मैंने मैंगो शेक नहीं पिया था, कल रात को मैंगो शेक बना लिया था ताकि दूध यूज़ हो जाए। हेलो। तो अनाया अभी रेडी हो चुकी है एकदम। ये नहाई नहीं है, बस ऐसे ही इसने करा। मैं बिना शावर लिए जा नहीं सकती, मेरे को ऐसा मज़ा नहीं आता बिल्कुल, तो इसलिए मैं अपना रेडी हो चुकी हूँ। और हेड वॉश वहीं जाके करूँगी, ऑयली ऑयली हो रहे हैं बाल, लेकिन हेड वॉश वहीं जाके करूँगी जब स्विमिंग करेंगे। तो चलो आपसे कार में मिलते हैं। तो गाइज़, हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, और अपने कान्हा जी, गुरु जी दोनों को साथ लेके जा रही हूँ। तो इनके बिना मैं इनको, मतलब घर पर अकेला छोड़ के नहीं जाती हूँ। और अब हम अक्षरधाम पहुँच चुके हैं, और यहाँ का मंदिर मैंने पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा। अक्षरधाम मंदिर कितना सुंदर बनाया है यार, बहुत ही सुंदर, देख के मज़ा आ जाए। तो अब हम टोल को क्रॉस करने लगे हैं, और टोल को क्रॉस करने के बाद हम एक ढाबा ढूंढ रहे हैं। मनु ने गूगल पर सर्च किया था जाने से पहले कि सबसे बेस्ट फेमस ढाबा यहाँ का कौन सा है, तो वहीं हम ढूंढेंगे, और वहीं पर ही हम अपना आज ब्रेकफास्ट भी करेंगे। और कुछ अराउंड 7:10 or 7 ऐसी कुछ टाइम हो रहा था इस टाइम जब हम ढूंढ रहे थे। और अभी अनाया को भूख भी लग रही थी, तो सोचा उसको मैं कुछ दे ही देती हूँ, तो उसको मैंने मखाने दे दिए थे, तो उसको उससे रुका नहीं जा रहा था। उसने वैसे मैंगो खा लिया था, मैंगो भी लेकर आई थी उसके लिए, लेकिन उसने बोला मुझे कुछ और दो खाने के लिए, तो मैंने उसको मखाने दे दिए। साथ साथ मनु भी खा लेंगे, और आप भी देख सकते हो 7-8 हो रहे हैं। और अभी वो ढाबा आएगा, तो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कौन सा ढाबा है। और ये जहाँ तक मुझे लगता है ये मेरठ से पहले आता है, ये ढाबा मेरठ के आसपास ही है कहीं पे, मतलब अगर आप दिल्ली से निकल रहे हो, अक्षरधाम को भी क्रॉस कर रहे हो, तो आपको हर जगह बोर्ड पर नज़र आ जाएंगे। एक मामा यादव नाम का एक ढाबा है, ये आप ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड का है, एकदम स्टैंडर्ड इन द सेंस मैं खाने की बात कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छा फूड इन्होंने प्रोवाइड किया सबको, और इतना अच्छा खाना कि मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम। और यहाँ पे हैव मोर, अमूल, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। रास्ते में आपको इस मामा यादव ढाबा से पहले आपको बहुत सारे ऐसे मामा यादव के ढाबा नज़र आएंगे, जो कि वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल इन द सेंस कि अलग अलग नाम से हैं, लेकिन नाम साथ में मामा यादव जोड़ा हुआ है उन्होंने, लेकिन एक्चुअल में ये वाला है मामा यादव, और ये हमारे लेफ्ट साइड पर पड़ता है। अगर हम दिल्ली से आ रहे हैं, अक्षरधाम से आ रहे हैं, तो हमारे लेफ्ट साइड पर ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है सारे ऋषि के हरिद्वार जा रहे हैं। इतना रश है। मुझे तवा की बजाय तंदूर के परांठे होते हैं, आलू का परांठा, प्याज का परांठा, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं हलवा नहीं तो खाना बहुत ही जल्दी उन्होंने सर्व किया था, इतनी सही स्पीड दिखाई है ना, मैं कहती हूँ उनकी सर्विंग बहुत ही अच्छी है। और ये आलू के परांठे हैं,
मनु ने आलू पूरी मंगवाई थी, वो मैंने टेस्ट करी थी, इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी, एक एक चीज़, चाय भी बहुत ही स्वाद थी और आलू के परांठे भी बहुत टेस्टी थे। और आप यहाँ का वॉशरूम देख लो, वॉशरूम इतना नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर आके अफसोस नहीं होगा, मैं सच्ची कह रही हूँ। ये ढाबा इतना ज़्यादा अच्छा है और मैं यहाँ पे दोबारा ज़रूर आना चाहूँगी। तो अभी देख, तो मैं बार बार आपको वॉशरूम दिखा रही थी कि कितना नीट एंड क्लीन है, नहीं तो मैं ऐसे जगहों पे सच में कह रही हूँ मैंने कभी भी इतना नीट एंड क्लीन देखा नहीं है वॉशरूम। और बाहर ये अमूल आइसक्रीम है, हैवमोर है, जिसको जिसकी जैसी पसंद हो वो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं अपनी कुल्फ़ी आइसक्रीम वगैरह। और अब थोड़े थोड़े से हिल्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हिल्स जब दिखते हैं ना, सच में मुझे ऐसी जगह पे रहना बहुत पसंद है। मेरा बस चले तो मैं यहाँ से कभी वापस जाऊँ ही नहीं दिल्ली, मुझे दिल्ली इतना पसंद नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। और हम हर की पौड़ी के आसपास पहुँच चुके थे और अब थोड़े थोड़े से हिल्स वाले रास्ते से हम जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है डाइवर्ट कर दिया था हमें। वैसे हमारे रास्ते में हिल्स नहीं आते हैं, लेकिन हमारा रास्ता डाइवर्ट कर दिया था जिस वजह से हमें हिल्स से जाना पड़ा अपने रिजॉर्ट तक। तो बस ये गंगा मैया के आप दर्शन करो, और गंगा मैया के दर्शन बहुत ही प्यारे हुए हैं हमको, ये हरिद्वार हम पहुंच चुके हैं। तो चलो सस्पेंस कैसा मैं आपको बता ही देती हूँ, वैसे तो आपको पता चल ही गया है हम ऋषिकेश जा रहे हैं, और ऋषिकेश पहुँच के ही अब आपसे मिलेंगे। और ना हमें पहुँचने में बहुत टाइम लग गया था, हम हरिद्वार तो करीब शायद 11:30 पहुँच चुके थे, लेकिन 11:30 हाँ 11:30 शायद पहुँच गए थे, और अपने रिजॉर्ट में पहुँचते पहुँचते हमको 2 बज गए थे शायद, 2 या 2:30 ऐसी कुछ टाइम हो गया था, क्योंकि रश भी था और हमारे को डाइवर्ट भी करे जा रहे थे बार बार, जिस वजह से हम बहुत लेट पहुँचे। बीच में हमने कार भी रोक दी थी। तो ये है रिसेप्शन एरिया, लेमन ट्री होटल है हमारा, उसका रिसेप्शन एरिया है ये, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ के रूम्स भी बहुत प्यारे हैं, पूरी बिल्डिंग ही बहुत प्यारी है, वाइट कलर का पेंट किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। मैं अभी आपको बाहर जाके दिखाऊंगी जब भी हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा। और ये तो फिलहाल अभी मैं आप रिसेप्शन में हूँ, अभी मनु वहाँ पे बात कर रहे हैं रिसेप्शन पे, और उसके बाद हम अपने रूम में जाएंगे, हमें कीज़ जब मिल जाएंगी। और ना मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मेरी वीडियो आपके पास 3 दिन लेट पहुंच रही है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो ये वीडियो है ना ये टाइमली पहुंच जाएगी, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क इशू की वजह से मेरी वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, 3 दिन तक अपलोडिंग पे लगी रह गई मेरी वीडियो, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई किसी वजह से, वाईफाई भी वहाँ पे कनेक्ट करा तब भी नहीं हो पाया था। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे इस चीज़ की कि मैं वीडियो को टाइमली अपलोड नहीं कर पाई, तो ये 3 दिन मेरा लेट व्लॉग चल रहा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना और मेरे ट्रैवल व्लॉग्स को इन्जॉय करना। रिसेप्शन से दिख रहे थे इनकी 6:30 पे, इनकी खुद भी आरती ऑर्गेनाइज करते हैं ये। तो अब मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ कि कैसा है हमारा रूम, और 15 रूम नंबर हमें मिला था, और हमको रिवर फेसिंग ही मिला है, और हम रिवर बहुत इजीली देख पा रहे थे, गंगा को बहुत इजीली देख पा रहे थे, और रिवर राफ्टिंग वगैरह सब हो रही थी, सब हमने देखा, बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे मनु वही देख रहे हैं, और सब लोग इतना शोर मचा रहे थे जो भी रिवर राफ्टिंग कर रहे थे ना, वो अभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है गंगा का लुक, देख लो आप कितना ही प्यारा लग रहा है, और साथ में माउंटेन्स।
हिल्स जब जैसे दिखते हैं ना तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारी बालकनी है और सबसे मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है ये, जहाँ पे टी कॉफ़ी वगैरह हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है और अपने आप बना के मैं पीती हूँ, और इस बार मुझे अनाया बना के पिलाएगी। और ये है पूरा रूम, और वो था पूरा डाइनिंग वाला एरिया, और ये पूरा रूम है। और यहाँ से रिवर तो नहीं दिखती है, बेडरूम से रिवर नहीं दिखती। और साथ में ये इन्होंने कुछ स्वीट में रखा हुआ था, स्वीट्स हैं मतलब एक तरह का मालपुआ और कुछ मीठा तला हुआ, कुछ मट्ठी टाइप थी, और लेकिन ये गेहूं की नहीं लग रही थी, पता नहीं कुछ और ही थी। और ये देखो ये ड्रेसिंग एरिया है पूरा, और यहाँ पे है अलमारी जिसके अंदर उन्होंने आयरन टेबल और आयरन सब हर एक चीज़ का हर एक चीज़ प्रोवाइड की हुई है। स्लीपर्स भी हैं और लॉकर भी है जहाँ पे आप अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रख सकते हो। और ये है वॉशरूम। अनाया की एक इच्छा पूरी नहीं हो पाई, उसको बहुत मन था कि वॉशरूम में मतलब बाथ टब मिल जाए, तो उसकी इच्छा पूरी तो नहीं हो पाई। लेकिन रूम ओवरऑल सब कुछ, वॉशरूम भी सब कुछ बहुत ही अच्छा उन्होंने मतलब प्रोवाइड किया हुआ है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और यहाँ से सच में जाने का मन किसी का भी ना करे जो एक बार ऋषिकेश आ जाए। ऋषिकेश में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मेरा यहीं पर ही दिल रह गया सीरियसली। और यहाँ पे अनाया ने सारे स्नैक्स, चिप्स, बिस्किट सब कुछ यहाँ पे सेट कर दिया था, तो मैंने इसको बोला यहाँ से जगह खाली कर। यहाँ पे इन्होंने ड्रॉअर दी थी, तो अनाया ने फिर ड्रॉअर के अंदर सारा सेट कर दिया था। यहाँ मैंने अपने भगवान जी को भी रख दिया, कान्हा जी को, गुरु जी को, और उनको भी भोग लगाऊंगी। तो इसमें से मुझे मालपुआ तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन एक राइट साइड में जो कुकीज़ टाइप है, कोई बिस्किट नहीं, बिस्किट कह रही हूँ, मट्ठी है सॉरी, तो वो मट्ठी मुझे अच्छी लगी थी, ठीक ठीक थी मतलब, तो जिसे मतलब मैं खा सकती थी। लेकिन सौंफ बहुत ज़्यादा डाल रखे थे इन्होंने, ओके थी। और अब अनाया मेरे लिए बना रही है चाय, और उसका तो चाय पीने का मन नहीं है। मैंने साथ में भगवान जी को भी चाय का भोग लगा दिया था, क्योंकि उनको प्याज वाला खाना तो दे नहीं सकते थे। और यहाँ पे अनाया टैब देख रही है और चिप्स खा रही है, और इसको भूख लग रही थी, और मन्नू कर रहे थे रेस्ट, क्योंकि मन्नू की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी थकान की वजह से, क्योंकि वो बैकएक की वजह से उनको कार इतनी लंबी ड्राइव करनी पड़ेगी, लॉन्ग ड्राइव करनी पड़ेगी, जिस वजह से वो सो ही गए थे। फिर जब वो शाम को उठे तब उन्होंने फिर हमारे लिए और अपने लिए स्नैक्स ऑर्डर करे थे। तो स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल्स और ये ग्रिल सैंडविच थी, ये हमने ऑर्डर किया था स्नैक्स में, और बहुत टेस्टी था स्नैक्स भी, और ओवरऑल फूड इनका अच्छा है काफ़ी। तो वही बस हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे। तो यहाँ के रास्ते बहुत ही कन्फ्यूजन वाले थे, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी, कभी ऊपर चढ़ रहे थे कभी नीचे चढ़ रहे थे। अब लिफ्ट में जा रहे हैं स्विमिंग पूल देखने और डिनर एरिया देखने, तो वही सब देखने जा रहे हैं। और अभी आपको गंगा भी दिखाऊंगी बिल्कुल एकदम सामने से, तो चलो चलते हैं। और ये इनका पार्किंग एरिया है, और रिसेप्शन से होते हुए हम -6 फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल के बिल्कुल सामने आपको गंगा के दर्शन भी कराऊंगी, बहुत ही प्यारे। हाँ मैं देख रही हूँ, भूलभुलैया ज्यादा लग रहा है। देख कितने पास आ गए ना हम, आरती हो रही है वहाँ पे, मुझे वही तो आरती देखनी है। तो आप देख सकते हो कितना ही प्यारा व्यू है, ये स्विमिंग पूल बिल्कुल गंगा के सामने है, और बिल्कुल नज़दीक से हम गंगा को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगा ये मुझे।
और अनाया का स्विमिंग करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन रात हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट, और मतलब यही कोई 7:30-8 टाइप कुछ टाइम हो रहा था। तो अनाया को हमने बोला, समझाया कि पानी भी अभी स्विमिंग पूल का थोड़ा ठंडा है, तो हम कल कराएंगे तेरे को आफ्टरनून में। तो बस किसी तरीके से वो मान गई, उसका दिल तो बहुत था स्विमिंग करने का, लेकिन नहीं करने दे सकते थे हम उसको आज अभी रात को, क्योंकि ठंड लगने का भी उसमें डर रहता फिर। और वो देखो कितना प्यारा लग रहा है मंदिर, पता नहीं कौन सा मंदिर है, लेकिन मेरे बहुत मन था कि मैं वहाँ पे एक बार विजिट करूँ। और ये सामने से बिल्कुल हमें दिखता है राम झूला, ऋषिकेश में राम झूला और लक्ष्मण झूला बहुत ही फेमस है, ये जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये राम झूला है, बिल्कुल सामने से दिखता है, और हमारी बालकनी से भी इवन की दिखेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे मनु कर रहे थे थोड़ी देर के लिए रेस्ट, इसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे डिनर एरिया, वहाँ पे देखने के लिए कि वैरायटीज़ क्या क्या हैं खाने की। वैसे तो हमारा डिनर इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज़ हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रायता, दही और अचार और सब तरह की चीज़ें थी, लस्सी थी, जूस था और स्नैक्स भी थे, और स्वीडिश में पेस्ट्री वगैरह भी थी, आइसक्रीम्स भी थी, लेकिन आइसक्रीम के लिए अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। और यहाँ पर फ्रूट्स भी थे, और साथ में दूसरे सेक्शन में सूप्स थे, नूडल्स, पास्ता, अलग अलग तरह की सब्जियां थी, दाल थी दो तरह की, तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें थी। दो तीन तरह के चावल भी थे, जैसे स्टीम राइस हो गए, और शायद मटर पुलाव थे, ऐसा कुछ था। और ये वेजिटेबल है, एक भरते की थी और एक शायद अरबी थी, मैं भूल गई हूँ अब, और एक में पनीर था और बाकी दाल वगैरह थी, बहुत तरह की चीज़ें थी। तो ये पनीर की सब्ज़ी है। तो यहाँ हमने डिनर अपना रात को ऑर्डर करके रूम में मंगवाया था, ये पीली दाल और मखनी दाल है, और साथ में ये राइस है। और खाने में हमने अपने डिनर में मखनी दाल मंगवाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये था यहाँ का, और यहाँ पर स्नैक्स आइटम भी थे दो तीन, तो बहुत ही अच्छा लगा ओवरऑल। और कल ब्रेकफास्ट करने के लिए हम इधर ही आएँगे, और इनका डाइनिंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खुला डुला एकदम है। और साथ में बस यहाँ पे हम थोड़ा सा विज़िट किया, और उसके बाद अब अपने रूम में जाएंगे। तो अभी आपको बाहर का एक लुक दिखाती हूँ कि इनका होटल कैसा है दिखने में। तो आप ये देख सकते हो कितना प्यारा है। यहाँ से सीरियसली जाने का मन तो नहीं था, लेकिन घर तो वापस जाना ही पड़ता है। तो फ़िलहाल तो अभी हम अपने होटल रूम में चलते हैं, घर तो जब जाएँगे जाएँगे, तो चलो चलते हैं। और फिर खाना भी ऑर्डर करना है, और हमने एक्स्ट्रा बेडिंग भी करवा ली थी, तो हमारे पीछे से उन्होंने यहाँ पे बेड भी रखवा दिया था, तो यहाँ पे सोएंगे मन्नू, और उनको यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था, बजाय के जो बेड वाला गद्दा है ना वो बहुत अंदर की तरफ धंसते हैं, तो इसलिए वो उन्होंने उस पे सोना अवॉइड किया। तो ये है नाया के लिए शेक, चॉकलेट शेक था, और वो ये अपना इंजॉय कर रही है, और बाकी हम अपना मनु और मैं स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं। स्नैक्स मंगवाया थे मनु ने एक, और उनका था पनीर टिक्का भी एक बार ट्राई किया जाए, तो पनीर टिक्का मंगवाया था उन्होंने, और साथ में फिर उसके बाद खाना भी आ गया था साथ साथ ही। तो बस अब अपना हम खाना खाएँगे, मखनी दाल इंजॉय करेंगे, बहुत ही टेस्टी थी। तो चलो आप हमारा ये व्लॉग इंजॉय करो, अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। हाँ चार कई लोग खाते हैं, और ये क्या है, अच्छा सॉल्ट है कि अगर दाल में नमक कम लगे तो आप सारे सॉल्ट